ஃப்ரெண்டு நான் தமிழ்நாடுல இருக்க டைம்ல என்ன வாங்க இப்பாசம்ல இருக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கு பாருங்க சைட்ல சூடுரு हमको मिक्स रूम गाइस ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था ना हम लोग का सिलापुतार साइड में दांगी दांगी बोल के, वो रूट जो है ना अभी मतलब जमीन जमीन लगा की बना के दिया है, तो देख लेता हूँ कैसा है। और आज मैं ये वीडियो में तमिल पे भी बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पहले तमिलनाडु में था ना, वो दूस लोग मुझे फोन कर रहा है कि आप तमिल पे भी कभी कभी बातें क्या करो बोल के ना, तो आज तमिल में ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा बातें। अभी कमैका में होने जा रहा है अंबुबासी मेला, तो उसके बारे में थोड़ा सा तमिल लैंग्वेज पे बात करूंगा, तो चलो शुरू करें। सजनी तेरे प्यार में खो गया ये दिल मेरा, सपनों में इश्क में। मैंने वीडियो बनाया था ना यही रूट पे डांगी डांगी मेली मेली बोल के, तो बीजेपी सरकार को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। तो मेरा वीडियो देखने का बाद यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा जमीन तो लगा के दिया है, लेकिन ये जो जमीन लगा के दिया है ना उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे जमीन तो लगा दिया है, साइड में भी ड्रेन चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई है और ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है, देख सकता है। यही नहीं, ये साइड में भी देख सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जमीन लगा के कुछ इस तरीके से बना के दिया है, और ये आगे का साइड दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। आगे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देखो ड्रेन नहीं है ना, तो पानी स्कूल का अंदर पे जा रहा है। ये एक स्कूल है सान वैली एकेडमी, तो देख सकता है। उस दिन मैंने वीडियो बनाता है यहाँ का बारे में, तो अभी थोड़ा सा मतलब जाने के लिए अच्छा है, इस तरीके से बना के दिया है। तो ये साइड में भी देख सकता है पूरा, मतलब यहाँ पे ड्रेन पड़ता है, जब पानी आ जाता है ना तो पानी जाने का रास्ता ही नहीं है, देखो साइड में। और ये थोड़ा सा आगे में दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे कैसे गाड़ी जाएगा, यहाँ का कंडीशन तो देख सकता है। यहाँ पे पूरा सेम कंडीशन है, ये साइड में देखेगा ना पूरा दूर दूर तक, और यहाँ पे देखेगा ना दोनों साइड में ही यहाँ पे ड्रेन कुछ भी नहीं है। कुछ इस तरीके से हम लोग का रूट बना के दिया जाता है, देखो। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब बनाएगा ना ऐसा मिट्टी से मत बना दो, पक्का से बना देना, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है। यहाँ पे जब बारिश देगा तो फिर से पानी लेके जाएगा, फिर से पुराना जमाना का रूट का जैसा ही हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। हेलो तमिलनाडु, நீங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு? நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நீங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு? கமெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. இன்னைக்கு நான் தமிழ் பேசி இன்னைக்கு நான் வீடியோ தமிழ்ல ட்ரை பண்ணிருக்கு. ஒரு 2 இயர் 3 இயர் சம்திங் ஆச்சு, அசாம்ல தான் இருக்கு. முன்னாடி தமிழ்நாடுல இருக்க டைம்ல தமிழ்க்குள்ளே தான் தமிழ் ஃப்ரெண்டு தமிழ் ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்க டைம்ல நிறைய பேச தெரிஞ்சு ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக மறந்து போச்சு, என்னடா பேசி போடு. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். தமிழ்நாடு சொன்னாலே கோயம்புத்தூர் எனக்கு ஃபேவரேட், தமிழ்நாடு ஒரு ஃபேவரேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர் சொன்னாலே எனக்கு செகண்ட் பீட் மாதிரி. இப்போது தமிழ்நாடுல எந்த மாத்திரம் இருக்கு, எது மாத்திரம் இருக்கு. அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுக்கு இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நம்ம அசாம்லேயே பெரியான ஃபேமஸான கோயில் இருக்குல்ல, கமைக்கா டெம்பிள், கமைக்கா கோயில், இது இப்போது பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற 22 ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அம்புவாசி மேலா. நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இங்கே வாங்க, நானும் வரும், நம்ம எல்லாம் சேர்த்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் இந்த ஃபெஸ்டிவல். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் கோயம்புத்தூர், அது மட்டும் இருக்கு தெரியுமா, ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கு, சொல்லவே முடியல, ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஊரில் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கொமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த ஊரில் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு கொமெண்ட், நல்ல ஒரு உங்கள் ஊர் பேர் இருக்குல்ல நல்லா எழுதிட்டு கொமெண்ட் பண்ண கொடுங்க. ஆனால் தமிழ்லேயே எழுத வேண்டாம், ஹிந்திலே மட்டும் எழுதுங்க. தமிழ் எனக்கு பேசதா தெரியும், படிக்க தெரியாது, எழுதி தெரியாது, புரியுதா? நீங்கள் தம்பி தானா, கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. அப்புறம் நீங்கள் வீடியோ பார்த்ததில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं क्या बातें, क्या कौन सा क्या मतलब मीनिंग क्या है, तो समझ में नहीं आया ना, तो तमिल में ये मैंने कहा कि अभी हम लोग का यहाँ पे असम में कमाई का टेम्पल पे पूजा होने वाला है अम्बुबासी मेला, तो आप लोग
वहाँ से देखने के लिए या पूजा करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। 22 जून से उनसे स्टार्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पे आइए, पूजा कीजिए और यहाँ पे इंजॉय कीजिए। हम भी आएगा, साथ मिलके इंजॉय करना है, साथ मिलके फेस्टिवल को मनाना है। ये बातें क्या, वीडियो का अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपका भी कोई तमिल फ्रेंड हो तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। फ्रेंड ना तमिलनाडुले இருக்க டைம்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க, பாசம்ல இருக்கலாம், ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட இல்ல, ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கு பாருங்க சைடுல சூண்டுரு சூண்டுரு। நெக்ஸ்ட் டைம் एक नया वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।